सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा ज्ञान वापी मस्जिद शाही ईदगाह पर हो रहे साजिश के विरोध में एक डेमोन्स्ट्रेशन कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के करीब किया गया। इस एजिटेशन में हर जात धर्म के लोग शामिल थे, जिसका मूल धारा ये था कि भारत की एकता और अखंडता को बर्बाद कर रहे ताकतों के खिलाफ एक आवाज होकर किसी भी जाति धर्म के इबादत गाहों पर चल रहे साजिशों को बेनकाब किया जाए और देश की हिंदू मुस्लिम एकता की छवि को बर्बाद होने से बचाया जाए। इस शुभ अवसर पर कोलकाता जिला के इंचार्ज सरूर आलम, सदर शमशादुज्जमा, जनरल सेक्रेटरी जैनुल आबेदीन, सेक्रेटरी एके गुलाम मुर्तुजा और एक्टिव मेंबर अली मुर्तुजा की भूमिका सराहनीय रही। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम को जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो इसमें क्या कोई एक मजहब या दो मजहबी तक महदूद है? ये देश हिंदू, सिर्फ हिंदू का और मुसलमान का रह गया, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होता हमारे मुल्क में। ऐसा लगता है हमारा मुल्क जो है दो मजहब में बट गया है और कोई मजहब के लोग यहाँ है ही नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल भी हम लोग वही थे और आज भी हम लोग वही रहेंगे, जिस तरह हम लोग सब जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई। 1947 से ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो हिंदुस्तान को तबाही के दहाके पर ले गया है और हमारे मुल्क की आवाम ये जो हिंदू मुस्लिम कर रही है इसको इस चीज पर ध्यान नहीं, एकदम नहीं, कि ये कहां से कहां हिंदुस्तान को धकेल रहा है। बंधुगण मुझे रखबेन, ऐसा दिन कभी नहीं रहेगा, ऐसा दिन कभी नहीं चलेगा। प्रत्येक मानुष तरस जागृत হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ তারা প্রতিবাদ করতে শিখেছে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমান, যে মুসলমান অন্যান্য মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া বাদ দিয়ে পাকিস্তান, আরব, ইরান, কুয়েত, আবুধাবি, সৌদি আরব, ইরাক, সেই মুসলমান কান্ট্রি অবকা ভারতবর্ষের মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশি। তা আমরা যদি আজকে দেওয়ালে পিঠ থেকেছে, যদি আমাদের মসজিদ যায়, যদি আমাদের মসজিদ আদান না হয়, যদি আমাদের মহাবিলিকে শিকার হতে হয়, কোনদিন সহ্য করবো বন্ধু? সহ্য করার সীমা থাকবে। সুতরাং যখন অসহ্য হয়ে ঘুরে দাঁড়াবে গৃহযুদ্ধতে বাধ্য। আজকে যারা জোরপূর্বক মসজিদ ভাঙার চক্রান্ত করছে, বাবরি মসজিদ সুকৌশলে নেওয়া হয়েছে। আপ তো ইয়ে সমঝনা হোগা কি তমাম পার্টিয়া খামোশ কিউ হো জাতি হ্যায় जब बाबरी मस्जिद में राम लल्ला पैदा ले लेते हैं 20 दिसंबर 1949 को, तो उस वक्त भी तमाम पार्टियां थी, CPM था और भी दूसरी दूसरी पार्टियां थी, वो खामोश क्यों रहती हैं? वो इसलिए खामोश रहती हैं कि ये मुसलमानों का मामला है। और ठीक वही काम ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के हो रहा है और तमाम SDPI के अलावा तमाम पार्टियाँ, अखिलेश की पार्टी हो कि मुलायम की पार्टी हो कि हमारे दीदी की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तमाम अपनी अपनी जगह पर खामोश रहते हैं। बेबी मस्जिदের একটা অংশকে পরিকল্পিতভাবে সেখানে সিল করা হয়েছে। পূজোখানার ফোয়ারাকে শিবলিঙ্গ বলা হচ্ছে, সেইটাকে কেন্দ্র করে আজ মসজিদের একটা অংশ সিল করে দেওয়া হয়েছে। এই হাইকোর্টে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি, সারা ভারতবর্ষে আমাদের SDPI বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন কর্নারে প্রতিবাদ করছে, তারই অংশ এবং সেইভাবে আমরা কলকাতায় আজ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ করছি। আজকে এই মুহূর্তে আমরা স্টেডিয়ামের অবশ্য সামনে টিপুসান মসজিদের পাশে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে বাবরি মসজিদ 1992 সালের 6ই ডিসেম্বর যে কৌশলে যে পায়ে তারায় ধ্বংস করা হয়েছিল, আজ দেখছি সারা ভারতের বিভিন্ন মসজিদের ক্ষেত্রে সেটাই তারা করছে। জ্ঞানপ্রেমী মসজিদ তার অংশ, শুধু তারা জ্ঞানপ্রেমী মসজিদ নয়, এর তারা বলছে কাশী মথুরা মসজিদ তারা বন্ধ করে দেবে, তাজমহলকে তেজো মন্দির বলা হচ্ছে, দিল্লির জুমা মসজিদকে শেষ শিব মন্দির বলে দাবি করছে, কুতুব মিনারকে বিষ্ণু স্তম্ভ বলে দাবি করছে। তারা এই যে বিভিন্ন অন্যায় দাবি করছে, চক্রান্ত করছে, মুসলিম স্থাপত্য ভাস্কর্য মসজিদ ধূলিসাৎ ষড়যন্ত্র। देखिए, अभी तक बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो कोई आदमी भी इसको लेकर के राजनीति किया था और
कोई भी आगे बढ़ करके आज उसको बचाने के लिए नहीं आया। उसी तरह सब आज जब बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद और राम मंदिर बन रहा है, तो आज देख लीजिए इतना शोक है। जो सेकुलर पार्टियां हैं वो सब उसके लिए आज खुश है। इसी तरह से आज ये जो मस्जिद के लिए आज इसको भी वहाँ पे एक ऐसा साजिश किया जा रहा है कि इसको भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, तो इसके लिए SDPI जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए नहीं है, कोई भी खड़ा नहीं है, लेकिन एक ही पार्टी खड़ी है, वो है SDPI। पूरे इंडिया में मुहिम चला रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, जुलूस कर रही है, धरना प्रदर्शन पूरे इंडिया में हम लोग कर रहे हैं। और ये ना सोचे कि वो 1992 था और ये है 2022 है, तो ये ना समझे कि वो 92 चला गया, अब 2022 है। ये आप कभी भी इस मस्जिद को जो साजिश के तहत लेना चाह रहे कभी भी नहीं लेंगे। SDPI के एक एक कार्यकर्ता, एक एक मेंबर, एक एक कैडर इसके लिए जान देने के लिए तैयार है और इसके लिए जो हो सकता है उसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार है। आईनी सतह पे हमारे नेशनल के जो लीगल सेल है, लीगल टीम है, वो आईनी तहत से वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने प्रोटेस्ट और ये मीटिंग रैली ये सब कर रहे हैं, ये हम लोग करते रहेंगे। लीगल तरीका, लीगल काम नेशनल का है, वो नेशनल के लोग अपना काम वो कर रहे हैं। ये मसला अभी तो फिलहाल ज्ञान वापी मस्जिद में जो साजिश चली जा रही है, उस साजिश को और बड़ा न किया जाए, इसकी रोकथाम के बाद अपने देश को अच्छे इकोनॉमिक में लाने के लिए यहाँ के BJP और RSS की सरकार से निकालने की कोशिश कर रही है SDPI। हम लोग जिस इशू को लेकर के हैं, अपने देश की खुशहाली और अपने देश की बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में जनता को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश BJP RSS कर रही है, उसको लेकर के हमको उठना पड़ रहा है। अभी तो फिलहाल जो ज्ञान वापी मस्जिद में जिस किस्म की साजिश चली जा रही है, उसको तमाम आवाम तक पहुंचाने के लिए, कि इस साजिश को नाकाम बनाएं, इसके लिए तमाम आवाम को अवेयरनेस कराया जा रहा है।